नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम घर में चावल बनाते हैं फ्रेंड्स, तो थोड़े बहुत चावल तो बच जाते हैं। आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा। तो आज मैं बचे हुए चावल से बहुत ही टेस्टी वेज बिरयानी बना रही हूँ। गैस पर मैंने फ्राइंग पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें एक बड़ा चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। अब दो मैंने मीडियम साइज के प्याज कट करके रखे हैं, बिल्कुल इस तरह से बड़े बड़े, वो मैं इसमें डाल दूंगी। और लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज का कलर बढ़िया गोल्डन ब्राउन आ गया है फ्रेंड्स, देखिएगा। हमें इतनी ही डार्क इसे सेकना है, लेकिन जलना नहीं चाहिए, नहीं तो टेस्ट खराब हो जाता है। अब हम इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और दो हरी मिर्च मैंने काट के रखी है, उसे भी इसी में डाल देंगे। अब एक दो मिनट हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। आपके पास अगर अदरक लहसुन का पेस्ट ना हो फ्रेंड्स, तो आप 5-6 कली लहसुन की और 1 इंच का अदरक कुचल के डाल देंगे, तो भी वही टेस्ट आ जाएगा। तो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च भी अच्छे से कुक हो गई है। अब मैंने दो बड़े साइज के टमाटर मिक्सी में डालकर उसकी ऐसे प्यूरी बना ली है, इसे डाल देंगे। इसी के साथ अब हम थोड़े से मसाले डालेंगे। 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच में इसमें नमक डालेंगे। फ्रेंड्स, मैंने जब चावल बनाया था तो चावल में नमक है, तो बस ये सब्जी और मसाले जो हमारे कुक हो रहे हैं, इसी के हिसाब से ही मैंने ये नमक भी डाला है। तो आप भी मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं बिरयानी मसाला डालना भूल गई थी फ्रेंड्स, तो 1 बड़ा चम्मच मैंने बिरयानी मसाला लिया है। बिरयानी मसाला हो, आपके पास पुलाव का मसाला हो, सांभर मसाला हो या पाव भाजी मसाला, कोई भी आप डाल दीजिए। और कुछ भी ना हो तो 1 चम्मच आप गरम मसाला डाल दीजिए, तो सारे मसालों का टेस्ट उसी में इकट्ठा आ जाएगा। अब सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने कुछ सब्जियां भी ली हैं, तो उसमें मैंने 1/2 कप मटर, 1 बड़े साइज की गाजर, 1/4 मैंने पत्ता गोभी का पीस और 1/2 मेरे पास शिमला मिर्च थी, तो मैंने वो सब ले ली है। अब सारी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, आपके पास और भी कोई सब्जी हो तो आप उसे डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये अवेलेबल थी इसलिए मैंने बस यही सब्जियां डाली है। इसमें से अगर आपको पसंद हो तो आप और डालिएगा, और ना हो तो उसे स्किप कर सकते हैं। सब्जियों से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। एक बार अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून के करीब पानी डाल देते हैं, इससे सब्जियां भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और जितने मसाले हमने डाले हैं वो सारे मसालों का भी फ्लेवर और टेस्ट दोनों सब्जियों में अच्छे से आ जाएगा। अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कुक कर लेंगे, ताकि सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा कुक हमें इसे नहीं करना है। 2-3 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। हमें इसका सिर्फ कच्चापन हटाना है, बहुत ज़्यादा सब्जी जैसा ओवर कुक इसे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये बिल्कुल तैयार हो गई है, अब हम इसे उतार लेते हैं। अब गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है फ्रेंड्स, और इसमें मैं 1/2 चम्मच से 2 चम्मच घी डाल देती हूँ नीचे, इससे इसकी एक बहुत बढ़िया सौंधी सौंधी खुशबू आएगी और टेस्ट तो आएगा ही। उसके बाद में जो चावल है इसे हम 1 लेयर में फैला देंगे। तो आप देख सकते हैं ना कि हमारे पास अगर कुक्ड राइस है उससे भी हम कितनी बढ़िया बिरयानी बना सकते हैं, वो भी घर के ही सामान से। तो बस 1 लेयर इसे हम इस तरह से फैला देंगे। अब जो सब्जियां तैयार करके रखी है उसकी 1 लेयर डाल देंगे फ्रेंड्स। देखिए क्या बढ़िया लग रहा है। अगर आपके पास पनीर हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल पाऊंगी, क्योंकि बच्चों को तो मजा ही आने वाला है। जितनी सब्जी हमने तैयार की है उसमें से 1/2 मैंने इसमें डाल दी है। उसके बाद फिर से चावल की लेयर डालेंगे। चावल डालने से पहले फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम केसर वाला दूध डालेंगे। मैंने थोड़े से केसर के धागे दूध में डालकर इसे तैयार कर लिया था, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है और खुशबू तो आएगी ही आएगी, स्वाद भी बहुत मज़ेदार आने वाला है। तो 2 चम्मच मैंने ये डाल दिया है। इसके बाद में अब मैं चावल फिर से डाल दूंगी।
बस इसे भी अच्छे से फैला देंगे। जो हमारा केसर का दूध है बचा हुआ वो भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ और फिर से इसको सब्जी की लेयर डाल देते हैं। सारी सब्जी मैंने इसमें डाल दी है, आप देख सकते हैं। इसे भी अच्छे से फैला देंगे। अब फ्रेंड्स देखिएगा कितनी बढ़िया हमारी बिरयानी बनके तैयार हो रही है। अब इसके ऊपर भी मैं 2 चम्मच घी डाल देती हूँ फ्रेंड्स। अभी से इसकी इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना। अब हम इसे ढक देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर दिया है तो 2 से 3 मिनट इसे हम इसी तरह से स्टीम होने देंगे ताकि सारे टेस्ट हमारी बिरयानी में अच्छे से आ जाए। 2-3 मिनट हो गए फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से स्टीम कर लिया है। इतनी बढ़िया इसकी खुशबू आ रही है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। देखिए कितनी बढ़िया हमारी बिरयानी बनके तैयार हुई है और कितनी जल्दी से घर के ही सामान से हमने इसे बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, बिरयानी को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि हमारी कितनी बढ़िया बिरयानी बनके तैयार हुई है। देखिएगा इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि मुझे रुकते नहीं बन रहा है, ऐसा लगता है जल्दी से मुझे इसे खाना मिल जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं जो भी नई नई आसान सी रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँ उसे आप अच्छे से इंजॉय कर पाएँ। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी ही एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।